जोधपुर के फतेह सागर क्षेत्र के एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है। आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया है, जिसकी वजह से आग लगने से आसपास के इलाकों में कैसे अफरा तफरी मची उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आग की लपटें इतनी भयंकर हैं कि आसपास के इलाकों के मकानों को खाली करवाना पड़ा है। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां लगातार लगी हुई हैं, कोशिशें जारी हैं। गली सक्रिय होने की वजह से आग बुझाने में दमकल विभाग को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये देखिए, तस्वीरों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं, आसमान में धुएं का गुब्बार साफ तौर पे देखा जा सकता है और कैसे ये भीषण आग जो हर तरफ एक तरह से कहे कि सबको अपनी चपेट में ले रही है। ये कई घर हैं जिसमें अब लोगों को यहाँ से निकाला भी गया है, घर खाली करवाए गए हैं एहतियात के तौर पर। तो सेना के जवानों को भी बुलाना पड़ा है। समझिए अब स्थिति किस तरीके से यहाँ पर भयावह हो गई है। इन तस्वीरों से भी साफ तौर पर बयां हो रहा है कि सेना तक को बुलाना पड़ गया है हालात को काबू में करने के लिए। फिलहाल पुलिस और आरएसी के जवान मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि नोटिस भेजने के बाद भी रिहायशी इलाके में प्लास्टिक का ये गोदाम था। महज प्लास्टिक का गोदाम ही नहीं बल्कि साइकिल, चाय और झाड़ू के गोदाम भी इसी बिल्डिंग के आसपास मौजूद है। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर समय रहते गोदाम मालिक पर कार्रवाई की जाती तो शायद ऐसे ना पैदा होते जो सब कुछ इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। लगातार नोटिस भी भेजी जा रही थी लेकिन फिर भी फैक्ट्री का मालिक जो मानने को तैयार नहीं था। सवाल यह है कि उसी वक्त क्यों नहीं सख्त एक्शन लिया गया, क्यों नहीं उसी वक्त प्लास्टिक की फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया। तो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की फैक्ट्री नहीं, ये बताया जा रहा है कि साइकिल, झाड़ू ये सब बनाने की भी फैक्ट्री यहाँ पर है। और इन आग की लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की हालात यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ तक कि सेना को भी बुलाना पड़ा है। पूरा आसमान, आसपास का इलाका जिसको आग ने अपनी चपेट में ले लिया है, गर्मी का मौसम, प्लास्टिक की फैक्ट्री, साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ के हालात बने होंगे। हालांकि आपको बता दें कि आसपास जो भी मकान है उनको खाली कराया गया, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कई बार नोटिस भेजा गया था कि यहाँ से प्लास्टिक की फैक्ट्री को हटा दिया जाए लेकिन फिर भी फैक्ट्री का मालिक नहीं माना। और इस वक्त जोधपुर से अरुण सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारियां देने के लिए। अरुण, मुझे ये बताइए कि जब कई बार नोटिस भी भेजा गया कि रिहायशी इलाके में इस प्लास्टिक की फैक्ट्री को हटा लिया जाए, फिर भी क्यों नहीं सुना गया फैक्ट्री मालिक की ओर से? श्वेता, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से ये हादसा हुआ है और जिससे पहले पास वाली बिल्डिंग में पूर्व में आग लगी थी, उसके बाद प्रशासन ने इनको नोटिस दिया था जो रहवासी इलाका है यहाँ से कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद कर दी जाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन लोगों ने उस नोटिस की पालना नहीं की। और जिसकी परिणति का ये है कि आज ये सुबह प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी है और ये प्लास्टिक का गोदाम सुबह 5 बजे से धू धू करके जल रहा है। मैं कैमरामैन शिव सिंह से कहूँगा वो दिखाए कि आग अभी भी जल रही है। हालाँकि आग पर कुछ नियंत्रण पा चुका है लेकिन अभी भी काला धुआं जो है निकलता हुआ आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस के साथ स्टेट डीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ काम कर रही है, तो कह सकते हैं आग को नियंत्रण करने का प्रयास अभी भी जारी है। करीब 5 घंटे हो चुके हैं, बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हो चुकी है। चूंकि आग के तापमान के कारण से बिल्डिंग, ये आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है चूंकि इसमें जो है जो सुबह जो किचन में जो काम किया जा रहा था, क्योंकि ये परिवार जो यहाँ रहवासी में रहते थे साथ में और साथ ही साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ दोनों एक साथ, तो यानी कि इस मकान में किचन थी, उस किचन में शायद संभवतः चाय बनाते वक्त ये आग लगी है। लेकिन अभी इसका खुलासा प्रशासन के अधिकारी जांच करने के बाद बताएंगे कि ये आग किस तरह से लगी है, लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से ये आग लगी है रहवासी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होना, और ये पास में देखिए आप साइकिल का जो गोदाम है उसके पास वाले मकान में चाय की पत्ती का गोदाम है, और उसके राइट साइड में मैं बताना चाहूँगा कि एक जो झाड़ू जो होता है बनाने का वो गोदाम है। तो ये रहवासी इलाके में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी, उस पर प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया, साथ ही साथ जो नोटिस दिए गए उसका फॉलोअप नहीं लिया गया, जिसका कारण आज ये हुआ है कि सुबह से ये आग लगी हुई है और प्रशासन इसको काबू करने में जुटा हुआ है। आसपास के लोगों का आपसे आगे भी मैं अपडेट लेती रहूंगी, फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो जोधपुर की, जहां पर रिहायशी इलाके में ये प्लास्टिक का गोदाम था जिसमें आग लगती है, यानी कि वो घर जहां पर लोग रहते भी थे और कमर्शियल एक्टिविटी भी की जा रही थी। प्रशासन ने हालांकि ये कहा है कि वो लगातार नोटिस भेज रहा था लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोटिस भेजकर ही क्या एक तरह से काम पूरा किया जा रहा था, क्यों नहीं सख्त एक्शन उस वक्त लिया गया था जब नियमों का पालन नहीं हो रहा था।